वेलकम बैक आप देख रहे हैं डिस्कवर योर सेल्फ और आज हम बात कर रहे हैं टाइप सिक्स पर्सनालिटी लॉयल स्केप्टिक्स के बारे में ब्रेक के पहले हमने जैसे देखा डॉक्टर न्यूटन हमने बेसिकली जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं टाइप सिक्स पर्सनालिटी के उन पे बात की हम बात कर रहे थे गायत्री की तो गायत्री के चाइल्ड में ऐसा क्या और दूसरा एक्सपीरियंस हो सकता है जिसकी वजह से उनकी पर्सनैलिटी डेवलप हुई सो अनदर मॉडल आर प्रोटोटाइप इज वेयर ए फिगर हु इज़ अ गाइडेंस और सपोर्ट सिस्टम is not existing particularly one to uh, five or six years age that point of time uh, a child needs uh, uh, a strong bonding with a parental figure it could be a caretaker also all right and uh, support and guidance is very much needed when it is not there the child feels very very insecure inside very very unsafe <laughs>

दे के नॉट फोर्स डिसीजन ऑन मी मुझे भी कहने का हक़ हाँ है उसमें hmm. डॉक्टर न्यूटन प्रोग्राम शुरू होने के पहले हमने गायत्री से बात की और जाना कि गायत्री अपने नेचर के बारे में अपनी पर्सनैलिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में क्या कहती है आई फील एम अ वेरी रिस्पॉन्सिबल काइंड ऑफ अ पर्सन जो भी काम दिया जाता है I try to fulfill जितना हमसे बन पाता है I try to do my best. द इफ़ इट इज़ अ न्यू काइंड ऑफ अ जिससे पहले से हमने कभी किया नहीं है तब डाउट होता है कि हम ये कर पाएंगे कि नहीं कितना दूर कर पाएंगे कैसा होगा ठीक होगा नहीं होगा बहुत जल्दी आई एल नॉट गेट वेरी क्लोज टू अ पर्सन और आई एल नॉट लेट दैट पर्सन कम वेरी क्लोज में विदाउट वो कंफर्ट लेवल जब तक नहीं बन जाता है मेरा आई वुड बी टॉकिंग एंड एवरी थिंग एंड ऑल बट बहुत पर्सनल डिटेल्स शायद मैं नहीं शेयर करूंगी इनिशियली इट विल टेक मी सम टाइम टू डू दैट एक बार दोस्ती निभा ली तो बस निभा एंड आई कीप इन टच विद एवरीबडी डॉक्टर नितिन जैसे कि हमने देखा और गायत्री से बात भी हुई कि कहीं ना कहीं शी इज़ नॉट रेडी टू ट्रस्ट एनी क्योंकि रीज़न uh, आपने साफ बताया डॉक्टर लक्ष्मी ने भी बताया कि पेरेंट्स uh, का साथ अगर आपको नहीं मिले उनका सपोर्ट नहीं मिले गाइडेंस नहीं मिले एंड इट हैपेंड विद गायत्री बिकॉज फॉर सम रीज़न शी वॉज नॉट इन टच विद देम फॉर अ लॉन्ग टाइम स्पेशली टाइम डॉक्टर लक्ष्मी चार पाँच साल का बच्चा yeah. जबकि पेरेंट्स का साथ होना चाहिए एंड uh, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि देर आर मैनी चेंजेस मैनी चेंजेस पेरेंट्स बहुत शिफ्ट कर, करते थे और चेंज होता था और शी फेल्ट मैनी टाइम्स दैट यू नो वाई गिव मी चॉइस सो दिस चॉइसलेसनेस ऑल्सो कैन मेक देम

Okay. If you don't trust yourself, you will not trust others. So the core belief uh, at a very deep level is uh, about the trust. All right. world is not safe and we can't trust each other. All right. world is not safe, we cannot trust each other. Do you go by this Gayatri? Maybe once upon a time mm -hmm. Mm -hmm. Abhi spirituality may awareness or increase increased. Mm -hmm. तो देखने का नजरिया सोचने का नजर कुछ बदल गया है तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई गो बाई दिस स्टेटमेंट बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मे बी इन माई ट्वेंटीज और समथिंग माई टीन एजेस तब बहुत ज़्यादा होता था ऐसे तब ये बहुत ज़्यादा होता था गायत्री आपने ये भी बोला कहीं ना कहीं उस उसी ये जो एक्सप्रेशन अभी डॉक्टर लक्ष्मी ने बोला उसका कहीं ना कहीं अंश आज भी आपकी पर्सनालिटी में इसलिए है क्योंकि आप बहुत जल्दी लोगों को अपने करीब आने नहीं देती ये बात तो हो गई लोगों को ट्रस्ट करने की और लोगों को करीब लाने की या क्लोज उनके कितना क्लोज होने की लेकिन जिस डॉक्टर न्यूटन ने बताया कि जो टाइप सिक्स पर्सनैलिटी के लोग होते हैं वो अपने आप पर भी ट्रस्ट नहीं करते आपके मतलब आपकी पर्सनलिटी में कहाँ तक फिट बैठता है पहले पहले ऐसा होता था कि मैं जो कर रही हूँ सही कर रही हूँ हमेशा डाउट रहता था ये सही ah, है कि doubt. ये गलत है ये होने से क्या होगा नवरी mm थिंग -hmm. <laughs> mm -hmm. no, mm -hmm. पहले बहुत thinking बहुत ज्यादा होता है मतलब अपने दिल के and you'll step back. Next moment, you may cancel that program. No, once yeah. I commit, I go along with yeah. it. But once you, you commit. Okay, before commit. that, you have a lot of thinking in the mm -hmm. mind and you... Yeah, always say, ki, mm -hmm. how could a situation be? Yeah. Okay. How it's, going to be. how it's going okay. to be. Mm -hmm. And if I to be. something always would fall upon a worst-case scenario. Oh, okay. this is a very <laughs> important mm -hmm. point yes. because... Uh, the worst case scenario imagine it imagine in the future ki was sabse zyada kya ho sakta hai all right चलिए गायत्री इस पे हम आगे भी बात करेंगे टाइप सिक्स पर्सनालिटीज के लिए क्या लाइफ क्या लाइफ टास्क है क्या लाइफ लेसन है क्या उनको गाइडेंस मिलनी चाहिए लाइफ में और उनके क्या बिलीव्स हैं सारी बातें है लेकिन एक ब्रेक के बाद